हमारे बचपन का फेवरेट जादू जिसको कोई मिल गया। और ये है जैक सुली, ये भी अवतार मूवी का ही करेक्टर है जो कि काफी वन ऑफ माय फेवरेट मूवी स्पाइडरमैन बचपन से देखते आ रहा है जिनको, तो ये भी काफ़ी रियल लग रहा है स्पाइडर। कुछ और नीचे भी है, इधर देखते हैं क्या है भाई। ओ इधर में हॉलीवुड स्टार्स के स्टैचू है, वाह। तो फर्स्ट में आप देख सकते हो ये क्यों ना एंजेलिना जोली, इनको जानते होंगे आप, एंजेलिना जोली जो कि काफ़ी रियल लग रहा है। और इधर में माइकल जैक्सन, ये भी काफ़ी रियल लग रहा है, इट्स लुकिंग रियल, वेल डन। नेक्स्ट इधर में कौन है, ओ ये टॉम क्रूज। तो भाई ये तो सच में बहुत ही रियल लग रहा है, इसको मैं आउट ऑफ 10 में से 9 देना चाहूँगा, बिल्कुल रियल लग रहा है भाई जी, टॉम क्रूज का स्टैचू, नाइस यार। तो ये हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज जो कि लुकिंग नाइस एंड रियल। और इधर में गाइस ये है ब्रूस ली का, और इधर में जो है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाले जो हीरो हैं उनका स्टैचू है। ये जॉनी डीप का स्टैचू है जो काफ़ी रियल लग रहा है। और जी ये है डेनियल क्रैग, ये भी काफ़ी रियल लग रहा है गाइस। और इधर में है, और ये वाला स्टैचू है ऑड्री हेपबर्न का, ये भी ठीक ठाक है, काफ़ी रियल लग रहा है। इधर में है जूलिया रॉबर्ट्स, और इधर में है ब्रूस विलिस, और इधर में है ब्रैड पिट, ये भी काफ़ी रियल लग रहा है ब्रैड पिट का स्टैचू। देखो वैक्स म्यूजियम के अंदर जब आप देखते हो ना स्टैचू को, तो आपको है ना पूरे रियल वाली फीलिंग आती है। तो वैक्स म्यूजियम का जो एक्सपीरियंस होता है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और इधर में कुछ और चीज़ें हैं गाइस, ये वाला है निकोला किडमैन का, काफ़ी रियल लग रहा है, रियल लुक इसकी लग रही है, ख़त्म नहीं हो रहा यार। और इधर में कुछ और है, तो ये हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि वन ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी काफ़ी रियल लग रहा है, इट्स नाइस लुक। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस ये उतना रियल नहीं लग रहा है, इट्स नॉट लुक गुड, ठीक ठाक, बट ये तो कुछ अलग ही लग रहा है गाइस, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार। ये देखिए ये एलियन ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये देखिए। और गाइस ये देखिए जादू, वाओ हमारे बचपन का फेवरेट जादू जिसको कोई मिल गया फिल्म में बड़ा मज़ा आता था, कोई मिल गया फिल्म देखने में वो वाले जादू। और इधर में देखिए ये अवतार मूवी वाला कैरेक्टर, क्या नाम है इसका, नेत्री, यह है नेत्री जो कि आपने हॉलीवुड की अवतार मूवी अगर देखी होगी तो उसमें ये वाला कैरेक्टर है। तो और ये है जैक सुली, ये भी अवतार मूवी का ही कैरेक्टर है जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, काफ़ी रियल लग रहा है, ये देखिए। तो ये तो मज़ा ही आ गया यार इस भाई, ये वैक्स म्यूजियम जो है ना कमाल का है यार, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का, सच में मज़ा आ गया यार। 250 रुपये तो देने पड़े लेकिन ये फुल पैसा वसूल है, बहुत कुछ है यार। और ये देखने में बिल्कुल रियल लगता है, ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ में इनको देख रहे हो। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा, ये देखिए जादू, वो लग रहा है ना रियल जादू। और इधर में फिर उसके बाद में ये है, इधर ये कौन सा करेक्टर है, ये हॉलीवुड की फिल्म का ही करेक्टर है योडा, शायद ये मैंने तो शायद नहीं देखी, आप में से किसी ने देखी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी मूवी है में ये करेक्टर दिखाया गया है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
और इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं। ये किड्स वाला ग्रुप आ गया है यहाँ पर, मोटू पतलू, जो कि हमारे बच्चों को काफ़ी पसंद होते हैं कार्टून्स। उधर में पतलू का स्टैचू है और इधर में जो है मोटू का स्टैचू है। ये बच्चों के फेवरेट, चिल्ड्रंस फेवरेट मोटू पतलू। एंड देन यहाँ पर है, ये वाला चुटकी, और उधर में मोटू पतलू, छोटा भीम की टीम। काफ़ी रियल लग रहा है, मज़ा आ गया यार देख करके। ये देखिए बच्चों के फेवरेट, और इधर में है मिस्टर बीम। ये तो एकदम रियल ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मिस्टर बीम हमें ही देख रहे हैं। ये देखिए, वाओ अमेजिंग। ये देखिए लग रहा है ना जैसे कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वो मुझसे कुछ कहने वाले हैं, एकदम रियल लग रहा है। ये तो इसको तो मैं आउट ऑफ 10 में से 10 ही नंबर देना चाहूँगा, बहुत अमेजिंग है, इट्स रियल। और इधर में भी कुछ कार्टून्स हैं, ये बंटुल चिल्ड्रंस फेवरेट, एंड इधर में डोरेमोन, इट्स लुकिंग नाइस। एंड इसके बाद में यहाँ पर आया सुपर हीरो आयरन मैन 3। ये देखिए आयरन मैन 3 का करेक्टर यहाँ पर है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, काफ़ी रियल लग रहा है। और इधर में आ गए हम सबके फेवरेट स्पाइडर मैन, वाओ वन ऑफ माय फेवरेट मूवी स्पाइडर मैन, बचपन से देखते आ रहा है जिनको, तो ये भी काफ़ी रियल लग रहा है स्पाइडर मैन का ये वैक्स वाला स्टैचू बना हुआ है। इसके बाद में आगे देखते हैं, और ये आप देख सकते हो ये हैरी पॉटर का वैक्स वाला स्टैचू बना हुआ है, और काफ़ी रियल लग रहा है, एकदम अमेजिंग लग रहा है ये हैरी पॉटर का। तो ये देखिए इट्स लुकिंग रियल। अभी और आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हो सकता है कि मैं इस वीडियो को जो है ना दो पार्ट्स में अपलोड करूं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, और इस म्यूज़ियम के अंदर जो है इतने सारे स्टैचू हैं कि घूमते घूमते काफ़ी वक्त हो चुका है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना पूरी वीडियो को देखना, और सेकेंड और फर्स्ट दोनों पार्ट्स को देखना। तो अभी और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं मतलब वैक्स म्यूज़ियम से बाहर आ चुका हूँ, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था इस म्यूज़ियम के अंदर। तो मैं तो आपसे कहना चाहूँगा अगर आप कोलकाता आए तो एक बार मतलब वैक्स म्यूज़ियम घूम करके ज़रूर जाएं, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इस म्यूज़ियम के अंदर घूम करके, ऐसा लगता है जैसे कि हम रियलिटी में घूम रहे हैं। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और कोलकाता के बहुत सारे व्लॉग आ चुके हैं और आगे भी कुछ व्लॉग आएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि कोलकाता की सीरीज चल रही है, इसके सारे व्लॉग को आप देखें और अपना सपोर्ट दें, प्यार दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर देना। तो आगे मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।